क्या दोस्तों, आप सभी को ट्रेन में सफर करते हुए ट्रेन का बाहर का सीनरी आप सभी को पसंद आता है? अगर पसंद आता है तो आज का वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक ऐसे 9 रेलवे रूट के बारे में, जहाँ पर आप सभी को जीवन में एक ही बार जरूर सफर करना चाहिए इतना प्यारा सा सीनरी का आनंद उठाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्या ये स्विट्जरलैंड है? नहीं दोस्तों, ये इंडिया में स्थित कश्मीर रेलवे लाइन से इतना प्यारा सीनरी आप सब देख सकते हैं। कश्मीर में स्थित जम्मू से लेके बारामूला तक 356 किमी का इस रेलवे लाइन पे आप 100 तक टनल देख सकते हैं, और गर्म के मौसम में आपको पहाड़ का बहुत ही अच्छा सीनरी आप सब देख सकते हैं इस रेलवे रूट पे। और अब अगर आप ठंड पे जाते हैं तो प्यारा भरा मज़ा ले सकते हैं इस रेलवे लाइन पे। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सभी को एक बार तो जाना ही चाहिए इस रेलवे रूट पे। अलका शिमला रेलवे लाइन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस रेलवे लाइन पे आपको टोटल 96 किमी का रेलवे लाइन पे आपको टोटल 18 स्टेशन मिलेगा, और पहाड़ से गुजरते हुए बहुत सारी ब्रिजों के ऊपर से गुजरते हुए 102 टनल्स के बीच से गुजरते हुए भयानक सुंदर रेलवे लाइन पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस रेलवे लाइन पे। और इस रेलवे लाइन पे आपको टोटल 5 आवर 20 मिनट का वक्त लगेंगे कालका से लेके शिमला तक जाने में। न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, इस रेलवे लाइन पे आपको 88 किमी का जर्नी में 7 आवर्स का वक्त लगेगा, लेकिन आप सभी को परेशान भी नहीं होगा इतना टाइम लेने के बावजूद भी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा इस रेलवे लाइन को, क्योंकि इस रेलवे लाइन पे आप सभी को चा बागान से गुजरते हुए सड़क के बीच से सड़क के पास से ही गुजरते हुए पहाड़ झरने का आनंद भी लेने देगा इस रेलवे लाइन, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है। तो आप सभी को एक बार जाना ही चाहिए न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में दार्जिलिंग तक। क्या आप रेगिस्तान गया है? अगर नहीं गया है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए जयपुर से लेके जैसलमेर तक इस रेलवे रूट पे। जयपुर जो कि इंडिया का पिंक सिटी का नाम से ही भी जाना जाता है, और जयपुर से लेके जैसलमेर तक जो रेलवे रूट है वो रेगिस्तान के बीचों बीच से रेल लाइन को बिछाया गया है, और आप सभी इस रेलवे रूट पे रेगिस्तान का मज़ा ले सकते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, मेट्टुपलम से लेके ऊटी तक का इस रेलवे रूट पे आपको बहुत सारी ब्रिज बहुत सारी टनल्स दिखेंगे, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसका भी तकमा है। और इस रेलवे रूट पे हमारा प्यारा एक गाना था, हाँ ये वाला गाना, तो इतना प्यारा सा गाना का भी शूटिंग हुआ था इस रेलवे लाइन पे। तो आप देख ही सकते हैं कि इस रेलवे लाइन कितना प्यारा सीनरी देता है आप सभी को, और स्टीम लोगों के साथ ही इस ट्रेन को चलाया जाता है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे पे आप सभी को एक बार तो जाना ही चाहिए। पम्बन रेल ब्रिज जो कि इंडिया का मेन लैंड मंडपम से इंडिया का आईलैंड रामेश्वरम तक जोड़ता है, इस अनोखा ब्रिज का सफर 1914 में किया गया था, यानी कि 1914 में इसको तैयार किया गया था, और इस अनोखा ब्रिज से आप लोग ज़रूर एक बार जर्नी ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इस ब्रिज से अगर आप लोग जर्नी करते हैं तो बे ऑफ बंगाल का अनोखा मज़ा आप लोग ले सकते हैं ट्रेन से। अगर इस ट्रेन से आप लोग जर्नी करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा सीनरी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। विशाखापट्टनम से लेके अराकु तक आप अगर आप लोग ट्रेन का जर्नी करते हुए जाते हैं तो मैं ये बोल देता हूँ कि पूर्वघाट पर्वत का इतना मज़ा आप लोगों को मिलेगा, इतना प्यारा झरना, इतना प्यारा पहाड़ का सीनरी, इतना प्यारा ब्रिजेस के ऊपर से घाट के ऊपर से टनल के बीच से गुजरते हुए इस ट्रेन आप लोगों को 935 मीटर्स के ऊंचाई पे ले जाएंगे, और ये इकलौता इंडियन रेलवे का ऐसा ट्रैक था जो कि 935 मीटर के ऊंचाई पे ब्रॉड गेज का इकलौता एक ऐसा ट्रैक हुआ करता था पहले। और इस ट्रैक से अगर आप लोग जर्नी करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएंगे इतना अच्छा सीनरी देखने के लिए। तो
जरूर एक बार ट्राई करना इस रेलवे रूट पे। ओडिशा में कोरापुट से लेके रायगढ़ तक आप लोग अगर जर्नी करते हुए जाते हैं इस रेलवे रूट से, तो आप लोगों को घने जंगल से गुजरते हुए, झरने के बीच से गुजरते हुए इस रेलवे लाइन पे आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। इस रेलवे लाइन पे बहुत ही खास सीनरी उपलब्ध है। दोस्तों, क्या आप सभी को रेलवे रूट से सफ़र करते हुए घने जंगल से गुजरते हुए पहाड़, झरना, नदी और घने जंगल के राजा, हाथी, गंडर, बाइसन ये सब देखना पसंद आता है? तो ज़रूर एक सफ़र आप लोगों को बेस्ट लगेगा, क्योंकि इस सफ़र में न्यू जलपाईगुड़ी से लेके आप लोगों को अलीपुरद्वार तक का जो सफ़र है वो पूरा घने जंगल से गुजरते हुए पहाड़, नदियाँ का ऊपर से गुजरते हुए आप लोगों को ज़रूर आनंद दिलाएगा। क्योंकि इस सफ़र में आप लोगों को ट्रेन के सामने ही अगर हाथी मिल जाए, कभी कभी अगर गंडर मिल जाए दिखने को, तो आप लोगों को ज़रूर आनंद आएगा इस सफ़र में घने जंगल। We'll be right back.